गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा, दोपहर 2:45 में कटनी में अमित शाह की रैली होने वाली है। सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। और गृहमंत्री अमित शाह के इस रैली को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। तो देखिए, बीते दिन गृहमंत्री अमित शाह चुनावी हुंकार बिहार और बंगाल में भरते नजर आए थे और आज गृहमंत्री अमित शाह एमपी के कटनी में पहुंचेंगे। दोपहर 2:45 में सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे और इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। तो 400 पार का नारा, लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट हासिल करने को लेकर बीजेपी लगातार देखिए किस तरह से एक्शन मोड में है। बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंचने, विकास की बात करते हुए नजर आ रहे, तमाम उपलब्धियों को गिना रहे हैं, तो साथ ही साथ जमकर निशाना भी कांग्रेस पर साधते हुए नजर आ रहे। आज गृहमंत्री अमित शाह कटनी में मौजूद रहने वाले मध्य प्रदेश के, और यहाँ पर सार्वजनिक रैली होने वाली है जिसे संबोधित करते हुए नजर आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा भी रहने वाला है। शाम 5:30 पर नांदेड़ में अमित शाह की रैली होने वाली है। सार्वजनिक रैली को संबोधित यहां पर भी करते हुए नजर आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो देखिए, एमपी के कटनी में गृहमंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी अमित शाह की रैली होने वाली है। तो लगातार अलग अलग राज्यों में देखिए किस तरह से बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन गृहमंत्री अमित शाह बंगाल और बिहार के दौरे पर नजर आए और वहां पर ममता सरकार पर बंगाल में CAA को लेकर भी गुमराह कर रही है ममता, ये बयान उनका सामने आया, तो जमकर TMC पर निशाना साधा गृहमंत्री अमित शाह ने।